बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे हीरो अरशद नदीम हमारे पास अपने तमाम तर मामलात जो भी इनके साथ आजकल चल रहे हैं उनसे गुजर के तो दोबारा से ट्रेनिंग प्लान के लिए आए हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस लिहाज से कि पाकिस्तान को नहीं बल्कि हमारी थर्ड वर्ल्ड को एक नया रूप देने वाला बच्चा हमारे पास मौजूद है। 2 साल से तकरीबन ऑफ एंड ऑन ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर और इनके पास बहुत सारी चीज़ें, जब बाहर से आते हैं तो नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। तो मैं आज इनका उन बच्चों के लिए डिस्कशन इनके साथ करना चाहता हूँ जो उनको फॉलो करते हैं और जेवलिन थ्रो करना चाहते हैं। तो मैं उनको कम अज़ कम ये चाहता हूँ कि उनको ये पता हो कि उनका फ्यूचर कैसे बनेगा और इस फ्यूचर में क्या क्या तरीक़ाकार है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अरशद नदीम अपनी ज़ुबानी ही सारी चीज़ें बताएंगे हमें। तो सबसे पहले तो अरशद नदीम वेलकम, दूसरा आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जेवलिन कब शुरू किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो जेवलिन का जो आगाज़ किया वो मैंने 2015 से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मैंने वापडा ज्वाइन की तो मैंने पाकिस्तान का मैं चैम्पियन हुआ 2015 में हुआ। अगर देखा जाए तो मैंने जब वापडा में ट्रायल दिए तो 56 मीटर दिए। तो पहली थ्रो आपकी 56 मीटर थी? 56 मीटर थी। तो उसके बाद आपके जहन में क्या है कि मैं क्या करूँगा इसमें? उसके बाद मेरे जहन में यही था कि मैं अपना पहले तो पाकिस्तान का चैम्पियन बनूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो मैं दो माह के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मैं चैम्पियन बन गया था। तो ये वो चीज़ है जी, आप बच्चों सारे जो भी देखते हैं और टेक्निकल एतबार से इस बात को समझना चाहते हैं, ये पोटेंशियल है उस खिलाड़ी का जो पहले इस इवेंट में नहीं था। लेकिन चूंकि मैंने अरशद नदीम की हिस्ट्री सारी जानता हूँ, ये बॉलर था क्रिकेट में और उसके अलावा हल्का फुल्का ये जेवलिन का टच था इसके अंदर। लेकिन जब इसको पता चला कि मैंने डेफिनेटली मैंने जेवलिन ही करना है तो 56 से ये 78 मीटर पे यकदम गया है 6 महीने के अंदर और ये बहुत बड़ा एक टैलेंट है जो एक्सपोज हुआ उस टाइम जी। उसके बाद 78 पर जब पाकिस्तान का रिकॉर्ड कर लिया फिर आपने क्या सोचा? जी बिल्कुल, जब मैंने 2 माह के अंदर पाकिस्तान का चैम्पियन हुआ उसके बाद मेरा गोल था कि मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशियन गेम्स हुई थी इंडिया गुवाहाटी में, वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और उसके साथ साथ मैंने पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड। अच्छा, तो ये आप ये कहना चाहते हैं कि आपने 2 महीने के अंदर नेशनल चैंपियन हुए जब आपने 56 पे ज्वाइन किया और उसके बाद आपने रिकॉर्ड किया गुवाहाटी में जाकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 78.26 मीटर था। वेल डन। अच्छा, उसके बाद आपने वहाँ से फिर क्या सोचा? वहाँ से आगे मेरा गोल था वो मैंने ये गोल रखा कि मैंने इंशाल्लाह जो है ना आने वाली जो गेम्स आ रही हैं जिसमें आप समझ लें कि एशियन गेम्स थी, जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप थी, तो मेरा वहाँ गोल था कि मैं एशिया में मेडल लूँ और अपना जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो बेहतर से बेहतर करूँ। मैंने अगर ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक जो किया वो 78.33 था। तो मेरा गोल था कि मैंने एशियन गेम्स में इससे अच्छी थ्रो करनी है और मेडल हासिल करना है। और मैंने ये भी जहन में रखा था कि आगे जो अपना टोक्यो ओलंपिक्स आ रही है उसके लिए मैंने इंशाल्लाह क्वालिफाई करना है। तो आपने क्वालिफाई करके जाने का सोचा? आपने सोचा कि मैं क्वालिफाई करके, यानी कि ये जो हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री का कॉन्सेप्ट था उसको अरशद नदीम ने तोड़ा और पाकिस्तान में, बाकी मेरी होश में जब से मैं स्पोर्ट्स में हूँ मुझे भी 23 साल हो गए हैं, तो ये पहला बंदा था जो क्वालिफाई करके एथलेटिक्स की फील्ड में ओलंपिक में पहुंचा। और फिर आपका जहन क्या बना जी? बिल्कुल, आगे फिर अपना जब टोक्यो ओलंपिक्स आई 2020 में तो साउथ एशियन गेम्स आ गई, तो उसमें मैंने सोचा कि मैंने पिछली बार साउथ एशियन गेम में मैंने ब्रॉन्ज हासिल किया था और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, लेकिन इस बार इंशाल्लाह मैं साउथ एशियन गेम में गोल्ड हासिल करूँगा और इसी में यही मेरा चांस है कि इसमें मैंने क्वालिफाई करना है, क्योंकि क्वालिफाई मेरे ख्याल में वो आखिरी राउंड था। तो मैंने क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह और गोल्ड हासिल किया और पाकिस्तान की न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया और साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 86.29 थ्रो की थी उसने जी, 86.29 मैंने थ्रो अल्हम्दुलिल्लाह की। और हर ग्रेजुअली जो मैं आपको देखता आ रहा हूँ आपकी थ्रो बढ़ती जा रही है, आपको अभी तक सबसे, उसके बाद आप ओलंपिक्स में आपने परफॉर्म किया ओलंपिक्स में, डेफिनेटली मैं अक्सर ये लोगों को बताता हूँ कि पूरा अमेरिकन यूरोपियन सिस्टम, पूरे सिस्टम से 3 बच्चे जो हैं वो इनको लीड कर पाए हैं। उसके बाद एक तो हमारे साथ का है नीरज चोपड़ा इंडियन और उसके बाद अरशद नदीम है, तो ये दोनों ने ही बेसिकली हमारे नया एक ट्रेंड दे दिया है इस थर्ड वर्ल्ड को, तीसरी दुनिया जिसको लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल जो है हमारे अंदर मौजूद है। और आप अब, आपको अभी तक किस मुकाबले में सबसे ज़्यादा मज़ा आया?
जी अगर देखा जाए तो सबसे मज़ा तो माशाल्लाह मुझे आया है अपना टोक्यो ओलंपिक्स में, क्योंकि मैंने जब क्वालिफाई किया है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह होप होगी कि मैं इंशाल्लाह फाइनल में जो इंशाल्लाह मेडल की इंशाल्लाह फाइट करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। तो नहीं, उसमें आपने आपकी फ़ाइट पूरी दुनिया ने देखी है जी, आपकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया ने देखी है, उस पर हमारा फोकस नहीं आज, फोकस ये है कि आपको जो फॉलो बच्चे करते हैं उनके लिए आपके आपके दिमाग में क्या है कि उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, उनको ये है कि मैंने भी जब जैवलिन स्टार्ट किया तो मेरा गोल था, पहली तो बात ये है कि यूथ जो हमारी है उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमने जैवलिन अगर करना है तो कोई ना कोई आगे गोल रखना चाहिए, फिर इंसान जो वो अचीवमेंट बड़ी करता है। तो मेरा गोल था, जैसे मैं आया हूँ 2015 में मैंने समझा कि मैंने पहले पाकिस्तान का चैम्पियन होना है, उसके बाद मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक करना है, उसके बाद जैसे आगे एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप समझ लें कि 2012-15 से 21 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेस्ट थ्रो की है। तो मेरा एम था कि मैंने अगर जाना है टोक्यो ओलंपिक्स में तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई करके जाना है, तो ये मेरा गोल था, अल्लाह ताला ने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अरशद नदीम, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास सहूलतें बेहतरीन हैं, बेहतरीन होती जा रही हैं, आपको हमने दिखाया है। टाइम आपका अपना पोटेंशियल क्या है जो आपको लोग बताते हैं, जो आप दुनिया को मिले हैं कोचेज में मुख्तलिफ में, आप क्या राय दी आपके बारे में? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्री के माशाल्लाह जो कोच हैं उन्होंने अपना बताया है कि जो अरशद नदीम है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 95 से लेकर 100 मीटर इसमें थ्रो है और इंशाल्लाह ये कर सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दी है तो मैं कहता हूँ कि इसको बेहतर किया जाए ताकि अपना आने वाले वक्त में जो भी कंपटीशन हो रहा है उसके लिए मैं भरपूर तैयारी करूं, और अपना जो आउट ऑफ कंट्री के कोचेज हैं मुझे कह रहे हैं कि आप 95 मीटर से लेकर 100 मीटर तक आप अल्हम्दुलिल्लाह थ्रो कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो मुझे एक कोच की ज़रूरत है, जो अच्छे कोच हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि 95 से। तो आपकी बात से ये लगा है कि आप मुल्क में रहना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि आप फैसिलिटीज़ जो होती हैं आज जो आपको मिलती हैं, आपने जाते हुए ये पैगाम दिया था कौम को, आपका एक पूरा इंटरव्यू आया था कि आप किसी चीज़ से नाला नहीं है, आपको सारी सहूलतें ठीक मिली हैं, आप क्या समझते हैं कि आपको इन सहूलतों के साथ जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको 2 से 3 खिलाड़ी साथ दिए जाएँ उस लेवल के जिनके साथ आपका ट्रेनिंग पैचअप हो, या अकेले ट्रेनिंग करने में इजी फील कर? दुनिया अगर देखा जाए तो एक मेरे ख्याल में अभी जिस तरह अल्लाह ताला ने इज्जत दी है मुझे तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जैवलिन जैवलिन हो गया, तो मैं कहता हूँ कि अगर एक ग्रुप बन जाए जैवलिन का तो उनके साथ साथ मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आएगा, जो मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह उनको भी भरपूर तरीके से वो अपना चीज़ों को समझेंगे, कुछ मेरे से समझेंगे और कुछ आप समझ लें कि अगर मैं भी उनसे भी समझ सकता हूँ। कहते हैं कि आपको अगर देखा जाए इलम कहीं से भी आपको मिले तो आपको हासिल करना चाहिए, चाहे वो छोटा इंसान हो चाहे बड़ा हो, तो आप इलम हासिल करते जाएं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। जी ज़बरदस्त जी, अरशद नदीम की बातों से आप बिल्कुल आपको इसके इत्तेफाक करना चाहिए हम सबको, और मैं पूरे उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर इसकी परफॉर्मेंस को 4 चांद लगाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे मामलात होते हैं हमारे सिस्टम में, वो चीज़ें जो ये ख्वाहिश कर रहा है अभी कि सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हमें मिलनी चाहिए, तो उसके लिए डेफिनेटली पूरे ज़ोर शोर से कौम पूरी इसके इनके साथ है। तो अब माहौल ये बन जाएगा, मैं दावे से कहता हूँ कि जो सहूलियात का मामला है उसमें और जो ख़ासकर जो कोचिंग आस्पेक्ट्स हैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और ना छोड़ी जानी चाहिए। तो आप सब लोगों की दुआएँ हमें चाहिए, जो अरशद नदीम भी अगर फाइनल बात करना चाहे, अरशद अपना को पैगाम दे लोगों, तो मेरा अपना यूथ से यही पैगाम है, आप अगर समझे कि आपने कोई भी काम करना है तो उसमें आपकी मेहनत है, आप मेहनत करोगे किसी भी काम में करोगे, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना स्पोर्ट्स में मेहनत की है, आज अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, तो आप भी मेहनत करें, स्पोर्ट्स में आएँ, एजुकेशन में आएँ, किसी भी काम में आएँ, उसमें मेहनत है, मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आप बहुत बहुत ज़्यादा आप बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरशद नदीम, आपका भी और जितने भी लोग हैं, आप लोग बच्चे सारे तैयारी कर लें, आप सब ने पूरी कौम के हर बच्चे ने जैवलिन थ्रो करना है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, बाकी कुछ हो ना हो आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे जाता है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक सलीके से आप बहुत सारी बुराइयों से बच के ऐसे काम में लग जाते हैं जिससे आपको ज़हनी जिस्मानी सलाहियतों में आपकी में इजाफा होता है।